अब उसमें लिखा कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर बांध कर और सचेत रहकर, अपने पड़ोसी को बोलो अपनी कमर बांध ले, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध ले और सचेत हो जा। अब पतरस इसमें समझा रहा है कि जो परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि अपनी कमर बांध लो, तुम्हारी कमर है क्या? पतरस कह रहा है कि इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधो, यानी मसीह में अगर तुमने अपनी कमर को बांधना है तो तुम्हारी मसीह में जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा दिमाग है। हालेलुया। इफिसियों 6, इसलिए परमेश्वर के 6 उसकी 13-17, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो, परमेश्वर ने आपको अगर लड़ाई में भेजा, क्योंकि ये लड़ाई है, बोलो अपने पड़ोस से ये लड़ाई है, अगर उसने आपको लड़ाई में भेजा तो वो आपको बिना हथियारों के नहीं भेजेगा। मान लीजिए आप एक ठेकेदार हैं, आपने एक बिल्डिंग का ठेका लिया और जब आपने वहां पर अपने मजदूरों को या अपने मिस्त्रियों को आप भेजेंगे तो आप उनको बिना हथियारों के नहीं भेजेंगे, आप उनको बिना मशीनों के नहीं भेजेंगे, हाँ या ना? क्योंकि आप ठेकेदार हैं और आपने अगर अपने अपनी टीम को भेजना है तो आप उनको पूरे हथियारों के साथ, पूरे चीजों के साथ लैस करके भेजेंगे, हाँ या ना? बेस कम करो, अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के सारे हथियार बाइबल कहती बांध ले। आमीन। अब आपने ध्यान से इस वचन को समझना है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको बिना हथियारों के नहीं छोड़ा। आपका युद्ध शैतान के साथ है, आपका युद्ध किसी आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, कैथोलिक के साथ, पेंटिकोस्टल के साथ, हिंदुओं सिखों के साथ बिल्कुल नहीं। इस युद्ध में कभी मत पड़ना, ये हमारा युद्ध नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से और अंधकार की शक्तियों के साथ है। और अब आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर जो भी वचन आपके लिए लिखता है वो एक हथियार है आपका, ताकि आप उस हथियार को अपने शैतान के अटैक के खिलाफ यूज कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, गरीबी का श्राप एक हथियार है शैतान का, और वो उस हथियार से आपको अटैक करता है, आपको खत्म करता है। बीमारी शैतान का एक काम है, कलेश शैतान का एक काम है, असंतुष्टि शैतान का काम है, बेचैनी शैतान का काम है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहना ये शैतान का काम है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा और जब तुम इन हथियारों को बांध लोगे तो तुम बुरे दिनों का सामना कर पाओगे, तुम शैतान से लड़कर जीत पाओगे। हालेलुया। और अब अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस हथियार को हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 उस वचन को 14 में लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। और कमर क्या है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहला पत्रस, फिर पढ़ेंगे अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या करो? कस लो। यीशु मसीह ने हथियार दिया, उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर को क्या कर? कस ले। क्योंकि शैतान जब व्यभिचार के अटैक के साथ तेरे पास आएगा तो वो तेरे दिमाग में आएगा, बुरा विचार तेरे दिमाग में आएगा, चोरी का विचार तेरे दिमाग में आएगा, हत्या का विचार तेरे दिमाग में आएगा, गुस्से का विचार तेरे दिमाग में आएगा। और अगर तेरा दिमाग सच्चाई के साथ कसा हुआ नहीं है तो तू अपने इमोशंस के साथ चलना शुरू कर देगा और बाद में तू दुख को भोगेगा। गुस्से का विचार माफ नहीं करना, कड़वाहट रखनी, बदला लेने की भावना रखनी। यीशु मसीह को भी गुस्सा आता, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के घर में गया और उसने उस सब लोगों को वहां से निकाल दिया जो व्यापार कर रहे थे। वो गुस्सा अलग है, वो धार्मिकता वाला गुस्सा है, लेकिन इस मैं शैतानी गुस्से की बात कर रहा हूं, मैं व्यभिचार की बात कर रहा हूं, मैं चोरी की बात कर रहा हूं, मैं पाप की बात कर रहा हूं, मैं उस बदला लेने की भावना की बात कर रहा हूं जो दिमाग में आपके आता है। और अगर आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आप बहक जाएंगे,